देश के तीन राज्यों के बीच में बसी एक रियासत जो कभी खुशहाल और समृद्ध हुआ करती थी, लेकिन आज जमीन हमारे पुरखों की देन है, सब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? मुझे इस मिट्टी का सौदा करना पसंद है। इस जमीन से मुझे करोड़ों का मुनाफा है। इन बेचारों को मारकर इनकी जमीन छीन लेना अन्याय नहीं है? तू इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी? इस इलाके का किंग भैरव सिंह। भैरव सिंह पिताजी के ट्रस्ट को चलाने के लिए कब तक इस तरह यादों की नीलामी करोगी? कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन इतनी खूबसूरत होगी। इस तमाशे को बंद करने के लिए वज्र जैसा वर ढूंढना होगा। तुम्हें सीआई बनाकर ट्रांसफर कर रहा हूं। एक ऐसे जांबाज पुलिस ऑफिसर की मांग की थी मैंने जो भैरव सिंह का सामना कर सके, पर सोचा नहीं था कि आप ऐसे इंसान को भेजेंगे। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आप इसके जलवे देखेंगे। इस भैरव के साम्राज्य में जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश भी मेरा है। तुझ जैसे अहंकार में डूबे हुए शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है। तू अकेला क्या कर लेगा? अकेला है तू? हाँ, अकेला हूँ। जहां भी जाऊंगा अकेला जाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। जनता का हूँ, जनता के साथ ही रहूंगा। नाम याद है ना? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह।